देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा थाना पुलिस ने सघन वाहन तलाशी के दौरान दीनापुर बीएसएनएल ऑफिस के पास कटरिया गांव निवासी अंतरप्रांतीय वाहन चोर प्रदीप शर्मा को चोरी की सुपर स्प्लेंडर बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी प्रदीप दुबे ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बीती रात करंडा पुलिस और क्राइम ब्रांच के त्रिवेणी लाल सेन वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक बाइक पर सवार तीन लोग आ रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो तीनों भागने लगे, जिसमें दो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन एक को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पांच मोटरसाइकिल कटरिया सिवान से बरामद की गई, जिसे इन्होंने पुआल और बाजरे के बीच छुपा के रखा था, जिसमें दो बाइक बिहार से, दो जमानिया से, एक सुहवल से और एक चंदौली जिले की है। पुलिस ने प्रदीप शर्मा नाम के एक चोर को पकड़ा है। चेकिंग के दौरान पता चला कि वो कटरिया करने वाला है और चोरी की मोटरसाइकिल से वो जा रहा था। उसके साथ दो अभियुक्त और थे जो फरार हो गए। फिर इसके पूछताछ में इसके निशानदेही पे छह मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं। कुल छह मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। एक मोटरसाइकिल हमारे जमनिया से चोरी गई थी, वह उससे अटैच हो चुकी है। शेष मोटरसाइकिलों का विवरण हमने प्राप्त कर लिया है, उसके विषय में पता कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें और भी बहुत सी मोटरसाइकिलें चोरियों से जो है अटैच हो, और हो सकता है कुछ मोटरसाइकिल लावारिस भी हो, उनके विषय में गहराई से पता किया जा रहा है। सर, किसी तरह का गिरोह था कि क्या था सर ये? अब दो लड़के और साथ में थे तो एक गिरोह तो मानना पड़ेगा कि छोटा मोटा उभरता हुआ एक गिरोह तो अवश्य है। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।